किस तरीके से हर दिन दिल्ली में कानून का भय खत्म होता जा रहा है, उस पर आज हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं दो रिपोर्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है जो कहती है कि दिल्ली देश के जितने भी शहर हैं उनमें मोस्ट अनसेफ सिटी है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। पिछले साल अगस्त में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें बताया गया कि 40% क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड जो है उसमें इजाफा हुआ है। आज भी हमने देखा किस तरीके गन पॉइंट के ऊपर प्रगति मैदान के साथ जो फ्लाईओवर है उसके अंदर दिन दहाड़े डकैती की गई है। किस तरीके नए साल की जब शुरुआत हुई तो कंझावला वाले इंसिडेंस ने सबको झंझोड़ के रख दिया। इस तरीके के बेहिसाब अपराध हमने इस साल में हर दिन देखे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था जो माननीय एलजी साहब के हाथ में है, और एक बहुत मशहूर कहावत है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। दिल्ली के सभी अपराधी इस टाइम बेखौफ घूम रहे हैं क्योंकि दिल्ली के एलजी साहब खुद कई सारे इस तरीके के अपराधों में शामिल रहे हैं। उनके पास उनके ऊपर खुद इस तरीके के मुकदमे चल रहे हैं जिसमें महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस तरीके से दिल्ली पुलिस हर दिन लापरवाह होती जा रही है। किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो थाना लेवल कमेटी होती थी जिसमें विधायक चेयरमैन होते थे और हर महीने ये मीटिंग करके एसएचओ की जवाबदेही तय करते थे, कुछ ना कुछ उन चीज़ों से कानून व्यवस्था में सुधार होने की गुंजाइश लगती थी। पर जब से नए एलजी साहब को नियुक्त किया गया है हर दिन कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।